हेलो नमस्कार, बी टू बी यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आपका स्वागत है, वेलकम है। मैं आपसे बात करूंगी किताबों की, कुछ आपकी पसंद की तो कुछ अपनी। आज हम बात कर रहे हैं अंकुर वारिको की तीसरी किताब की, मेक एपिक मनी। अंकुर वारिको एक एंटरप्रेन्योर हैं और भारत के शीर्ष कंटेंट निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। इनकी इसके पहले दो किताबें आ चुकी हैं, डू एपिक शिट और गेट एपिक शिट डन। इनकी यह तीसरी किताब बड़ी ही रोचक है उस मामले में, क्योंकि यह पैसों के बारे में बात करती है, और पैसों के बारे में जब कोई भी चीज़ बात करती है तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हर कोई पैसे से जुड़ा हुआ है और उसके सरोकार पैसों से ही शुरू होकर पैसों पर ही आम तौर पर ख़त्म भी होते हैं। बड़ी ही मज़ेदार बात है कि मेक एपिक मनी पढ़ने के लिए अंकुर तीन कारण बताते हैं। पहला, हम उनसे ज़्यादा सीखते हैं जिन्होंने गलतियाँ की हों, बजाय उसके जिन्होंने कोई गलती ना की हो। मैंने खूब गलतियाँ की हैं, हर गलती से कुछ ना कुछ सीखा, खुद को नए सिरे से व्यवस्थित किया। जो गलतियाँ मैंने की हैं, मैं चाहूँगा कि आप वो गलतियाँ कभी ना करें। फिर वो दूसरा कारण कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि पैसों के बारे में लिखी गई ज़्यादातर किताबें इतनी मुश्किल क्यों होती हैं, बेहद तकनीकी, डरावनी और खूब सारे पन्नों वाली। यह किताब बस एक साधारण सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब के दौर में पले बड़े 20-30 साल की उम्र वाले पाठकों के लिए पैसों के बारे में लिखी गई एक किताब जो मज़ेदार होने के साथ साथ मददगार कैसे हो। फिर वो तीसरा कारण बताते हैं, अरे मैं आपको प्रभावित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कोई इस तरह की स्किल रखता ही नहीं हूँ, इस तरह की कोई डिग्री नहीं रखता हूँ। तो मैं सिर्फ आपको आपकी मदद करने के लिए इस किताब को लेकर के आया हूँ, जो मज़ेदार भी हो। यह किताब आपसे आपकी भाषा में बात करेगी और आपको आपके शब्दों में समझाएगी पैसों के बारे में। मेक एपिक मनी में अंकुर बड़े ही मज़ेदार तरीके से शुरू कर रहे हैं कि पैसों का भी हिसाब किताब होता है, तो पैसों का हिसाब किताब, पैसों का चलन, पैसों को यूज़ करना कैसे शुरू हुआ। फिर वो आगे जाके बहुत सारी चीज़ें इस किताब में बता रहे हैं कि पैसों से का अगर आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंस है तो बचत कैसे करते हैं। बचत कैसे करने के साथ साथ ये है कि आपके पास जो थोड़ा सा भी अमाउंट है उसको आगे लेके आप कैसे जाते हैं, कैसे उसको मल्टीपल करते हैं, कैसे उसके चक्रवृद्धि ब्याज में जाते हैं और कैसे उसके मैक्सिमम फ़ायदे उठा सकते हैं। यहाँ उन्होंने किताब में बड़े ही अच्छे से बताया है कि वो 8-10 फ़ायदे कौन से होते हैं जो कि आप पैसों के माध्यम से पा सकते हैं। तो उसमें से मैं एक छोटा सा हिस्सा पढ़ रही हूँ आपके लिए। ये 10 चीज़ें हैं जो हम पैसों के माध्यम से खरीद सकते हैं। मन की शांति। जब यह पता चलता है कि स्कूल की फीस, EMI और तनख्वाहों का भुगतान हो चुका है, जब यह पता चलता है कि जिनकी जिम्मेदारी आप पर है उनका अच्छी तरह ख्याल रखा जा चुका है। स्वास्थ्य, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ, बीमा, पौष्टिक आहार, जिम की सदस्यता, फिटनेस एक्सेट्रा। फिर है गुणवत्तापूर्ण खान पान। जंक फूड सस्ता होने का एक कारण होता है, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। गुणवत्ता से भरा हुआ हेल्थी फूड महंगा होता है, पैसे हो तो हम उन्हें खरीद सकते हैं। सुरक्षा, पैसा हो तो खुद का वाहन लिया जा सकता है, एक सुरक्षित मोहल्ले या पड़ोस में रहा जा सकता है, सिक्योरिटी लगाई जा सकती है। विकल्प, या कॉलेज चुने या वह चुने, इस नौकरी को पैसे के लिए चुने या कुछ नया सीखने के लिए, काम से कुछ दिन की छुट्टी ले लें या लगातार खटते रहें, पैसा हमें चुनने की सुविधा देता है। आराम, एक आरामदायक गद्दा, अच्छे जूते, गर्म कपड़े, एयर कंडीशनर या और भी कोई काम का अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सामान। साहस, पैसा हमें साहसिक फैसले लेने में मदद करता है,
असफलता के भय को कम करता है, कुछ नया करने, नया सीखने और निडर बनने में सहायता करता है। खुश परिवार, हमारे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और दोस्त जिन चीज़ों को हमेशा से चाहते रहे हैं उन्हें वे सब मुहैया कराना और उसे करा करके हम खुशनुमा तरह से उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं। नए अनुभव, यात्राएं, संगीत समारोह, सफारी, क्रूज, जीवन में महज एक बार होने वाले विशिष्ट घटनाएं और कार्यक्रम में जाना, दुनिया की बेहतरीन चीज़ों का अनुभव करना। और आखिर में वो कहते हैं, आज़ादी है जो हम पैसों से हासिल कर सकते हैं, जब चाहें तब जीवन की रफ्तार को धीमा कर लेने की आज़ादी, जब चाहें तब आम दिनों से अधिक काम करने या आनंद लेने की आज़ादी, जैसा चाहें वैसा जीने की आज़ादी। तो अंकुर जो हैं इस तरीके से अपनी किताब द एपिक मनी में हमें पैसों से जुड़े अलग अलग पहलुओं से मिलवाते हैं। वो एक जगह पर मॉर्गन हाउजल को कोट करते हैं जो साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक हैं। वित्तीय मामलों में सबसे अधिक लाभांश इस बात का मिलता है कि आप चुन सकें आप क्या काम करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, यह काम किसके साथ करना चाहते हैं और कब तक करना चाहते हैं। तो यह था मेक एपिक मनी से एक अंश। इसके साथ ही अब मैं आपको इसके लेखक अंकुर वारिकू जी से हुई एक आमने सामने की बातचीत सुनाती हूँ। नमस्कार अंकुर जी, B2B यानी बैक टू बुक्स में आपका स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू शिवानी, थैंक यू सो मच। मैं कुछ एक सवाल पूछूंगी आपसे, बहुत ही हल्के फुलके से, ठीक है? अच्छा, मेरा पहला सवाल है कि किन किन भाषा में आप पढ़ते हैं किताबें? मैं सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ। हाँ, आप हिंदी में नहीं पढ़ते? मैं हिंदी में नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ बच्चों को पढ़ाता हूँ। okay. तो उनके साथ पढ़ लेता हूँ लेकिन खुद के लिए नहीं पढ़ता। ओके, तो इंग्लिश में ही सही, पहली किताब कौन सी है जो याद रही और क्यों? तो बचपन में ना शिवानी जी कभी इतने पैसे नहीं थे कि किताबें खरीद पाए। स्कूल की लाइब्रेरी में ज़्यादा जाना नहीं होता था, पता नहीं क्यों। तो किताबें पढ़ने का मौका मिलता था जब हम छुट्टियों के लिए कोई भी ट्रेन पकड़ के जाते थे और वहाँ फिर ट्रेन के स्टॉल पे चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू, वो डायमंड कॉमिक्स की किताबें, तो जो मुझे लगता है ज़्यादातर भारत की कहानी है उस समय की। तो मुझे बस वही कॉमिक्स ज़्यादा याद है। लेकिन उसके बाद पहली किताब जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी थी वो थी फाउंटेन हेड, जो मैंने पढ़ी थी कॉलेज में, 20 साल की उम्र में शायद पढ़ी थी जी। और वो किताब शायद 20 साल के लिए बनी नहीं है क्योंकि वो जो बनते हैं ना तो या तो सर फिर जाता है या समझ ही नहीं आती। तो मेरा तो थोड़ा सर फिर गया था कि दुनिया में क्या रखा है, क्या है, कैसे नहीं है। लेकिन वो मुझे अभी भी याद है। ओके, अच्छा, कोई ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत पसंद हो या जो याद रह गया हो, आज भी याद आता हो? मुझे जैसे कि मैंने बताया मेरी शुरुआत किताबों की कॉमिक से हुई थी, तो मुझे चाचा चौधरी अभी भी याद है, पता नहीं क्यों। हाँ, कि चाचा चौधरी, उनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है, जो टैगलाइन थी। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने साबू को जब गुस्सा आता है तो जुपिटर पे कहीं ज्वालामुखी फट रहा होता है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें पता है अभी भी जहन में रह गई है। पंचलाइंस जो है वो रह गई है बचपन के साथ। बिल्कुल रह गई है, बिल्कुल रह गई है। और बड़े होते हुए फिर ऐसा कोई कैरेक्टर कभी फॉलो नहीं किया किताबों में, सिर्फ थीम्स या आइडियाज ही फॉलो किए, तो वो कैरेक्टर कहीं गुम हो गए। ओके, ये थोड़ा सा है कि जैसे बचपन छूट जाता है वैसे वो कैरेक्टर्स छूट गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैंने को ऐसे पूछने आ रही थी क्योंकि मेक एपिक मनी से ही मुझे ध्यान आ रहा है कि मनी या पैसे से रिलेटेड क्या कोई फिल्म है जो याद है या आप रिकमेंड करना चाहेंगे? नहीं, मैं रेकमेंड तो नहीं करूँगा, वो जो मुझे याद है ये मूवी है माला माल करके, और इस मूवी में नसीरुद्दीन शाह थे। हाँ, हाँ, और उनको कहीं से कोई जायदाद वगैरह मिल जाती है और बोलते हैं कि आपको ना बहुत अनगिनत पैसे खर्च करने होंगे 30 दिनों के अंदर, तभी आपको तब बहुत जल्द पूरा पार्ट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। और कैसे वो जद्दोजहद करके ना वो पैसे खर्च करने की कोशिश करते हैं लास्ट मोमेंट तक, वो लास्ट एक चेक काट रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो
उससे ना मुझे ऐसा लगा था कि यार ऐसा हो सकता है कि बहुत पैसे हो और पता ही ना हो कि पैसों का क्या करना है, ऐसे कैसे दुनिया होगी, क्योंकि जब पैसे नहीं होते हैं तो ऐसे कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा कौन सा वक्त आएगा जब इतने पैसे होंगे कि समझ नहीं आएगा कहाँ खर्च हुआ है, तो इसलिए वो जहन में कहीं कहीं बस गई है वो मूवी। तो कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप चाहते हो कि फिल्म बने ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे? मुझे तो जेन्युइनली ऐसा लगता है शिवानी जी कि हमारा पूरा जो स्कूल का करिकुलम है ना वो फिल्मों में ट्रांसलेट हो जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो कितनी सारी चीज़ें कम से कम मेरे बचपन में मैंने फिल्मों से सीखी हो, अगर वो अमिताभ बच्चन की कोई मूवी है कि भैया इंसाफ की तरह कैसे उठते हैं और कैसे दुनिया में अनफेयरनेस है लेकिन तब भी आपको खड़े होना है, फिर शाहरुख खान से हम प्यार मोहब्बत की बातें सीख गए, फिर किसी अमिताभ बच्चन से हम कैसे बड़े होते हैं वो सीख गए, और अनफॉर्चुनेटली स्कूल और कॉलेज से उतना नहीं सीखे, मतलब हमें कुछ भी याद नहीं होगा हमने क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा था, मैथ्स में पढ़ा था, लेकिन बागबा में वो कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट फिर से बिल्कुल बनाते हैं, राइट, और अनुशासन अनुशासन वो सारी चीजें, मोहब्बतें का अनुशासन बिल्कुल राइट, और वो पूरा अपना चक दे इंडिया में कैसे एक बिखरी हुई टीम वापस आ जाती है, इतनी सारी चीजें हैं वो जस्ट स्टे विद अस एज लाइफ लेसन। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है और ये मेरा अरमान है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर चाहूँ तो यही है कि अगर मेरे पास बेशुमार पैसा हो ना तो मैं बहुत बहुत हाई क्वालिटी मूवीज बनाऊँ अराउंड वो सारी चीज़ें जो लोगों को ज़िंदगी के बारे में पता होनी चाहिए। वाह क्या बात है इसके लिए तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा इसी से मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि जब हम किताबें लिखते हैं जैसे कि हम ट्रांसलेट करते हैं तो भी हम लोग उसके लिए होमवर्क करते हैं, किताब लिखने के लिए भी आप होमवर्क करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कितना? ये सवाल ना और इस बुक को लेके खासकर मेक एपिक मनी को लेके बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इस बुक को मैंने कायदे से 3 महीने के अंदर लिखा जी, लेकिन इस बुक की प्रिपरेशन शायद मैं 30 साल से कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये बुक अगर मैंने पिछले 30 साल जो सारे पैसे के साथ ठोकरे खा खा के सीखा हूँ, गलतियाँ करके सीखा हूँ, ऐसा तो हूँ नहीं कि मैं कोई फाइनेंस एक्सपर्ट हूँ, ऐसा है नहीं कि मेरे पास कोई डिग्री है या कोई CA है या कुछ ऐसा, तो अगर वो पिछले 30 साल नहीं होते ना तो ये 3 महीनों में किताब भी नहीं बन पाती। क्योंकि मैं क्या करता, मैं किसी और की किताब पढ़ लेता और फिर वही तोते के जरा उसको वापस बोलने की कोशिश करता, लेकिन जब तक अनुभव नहीं किया ना तब तक दिल से नहीं निकलेगा जी। तो ये किताब जो है वो दिल से इसीलिए लिखी गई है और इस भाषा में लिखी गई है, इस ढंग से लिखी गई है, क्योंकि पिछले 30 साल से मेरा जो पैसे के साथ रिश्ता रहा है वो बनता आया है। एंड इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई लेखक होते हैं वो जितने वक्त के लिए लिखते हैं वो जरूरी नहीं है, कितने दौरान तक उन्होंने उस किताब को अनुभव किया है वो ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो भी लिखाई हो रही है। सही बात है। बिना लिखे एक्चुअली जिंदगी जो है वो आपके दिमाग पर कुछ लिख रही होती है, फिर जिसको अलग अलग माध्यमों से निकल के बाहर आता है, निकल के आता है, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो किताब हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से। अच्छा हमारे B2B यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे के लिसनर्स के लिए आपका क्या सबक है या सीख रहेगी? एक है, मेरे को तो नाम बहुत ही पसंद आया, B2B बैक टू बुक, इतना खूबसूरत नाम है, क्योंकि एक ऐसी जनरेशन है जो अभी पढ़ नहीं रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि किताबें बोरिंग है, उन्हें ऐसा लगता है कि किताबों से कुछ सीख नहीं सकते हैं जी, एंड वीडियोज़ हैं और वीडियोज़ की भी ड्यूरेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है, पहले हम 10 मिनट की वीडियो देखते थे अब 60 सेकंड का देखते हैं, अब 30 सेकंड में ही स्वाइप अप कर लेते हैं। एंड एक मैसेज जो मैं बोलना चाहूँगा वो यही होगा कि जिंदगी में सीखने के 2 तरीके हैं, या तो आप खुद की गलतियाँ करके उनसे सीखें जी, या दूसरों की गलतियों से सीखें। सही बात। एंड दूसरों की गलतियों से सीखने का बेटर तरीका बुक से ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, मेरी बात छोड़िए कोई भी और, इतने बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी की ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी हैं, बायोग्राफीज़ लिखी हैं, 200 रुपये 300 रुपये 400 रुपये की किताब होगी, उतना ही डोमिनोज का एक फुल साइज़ पिज्ज़ा आता है। बिल्कुल। तो अगर आप सोचेंगे कि एक पिज्ज़ा के दाम में आपको एक पूरी जिंदगी की हर एक सच्चाई, हर एक गलती, हर एक सक्सेस, दिमाग में क्या चल रहा था उस समय, उनके साथ क्या बीत रही थी, वो सब कुछ जानने के लिए मिलेगा, मेरा तो दिमाग फट जाता है जब मैं ऐसे सोचता हूँ कि यू नो लोग किताबों को देखते हैं, मैंने यार कौन पढ़ेगा क्या करेगा, लेकिन आपको 400, 300, 200 रुपये में
किसी की पूरी जिंदगी मिल रही है जी, जो शायद आप करोड़ों में भी नहीं खरीद सकते या पा सकते हैं। बिल्कुल, तो मेरा बस यही है कि किताबों से प्यार कर बैठिए, क्योंकि अगर आप कर बैठे तो आप अपनी ज़िंदगी से प्यार कर बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, बैक टू बुक्स में मैं बुक पायरेसी के ऊपर भी थोड़ा सा आवाज़ करती हूँ और लोगों को चेताती हूँ कि वो पायरेटेड किताबें ना ख़रीदें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हक मारते हैं हमारे लेखकों का। तो ये बात ही मैं चाहती हूँ कि आप ही दोहरा दीजिए। बिल्कुल, ये एक चीज़ होती है ना कि जो जो कला होती है उसको सबसे बेस्ट सम्मान तब मिलता है जब आप उस कला को सही माध्यम से कंज्यूम करते हैं जी। वो कलाकार की इज्जत होती है, वो कला की इज्जत होती है, और वो आपकी खुद की भी इज्जत होती है। लाइक आप आईने में खड़े होकर अपने आप के आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ, मैंने इस कला का, इस कलाकार का सबसे अच्छे से सम्मान किया है। एंड पायरेसी मुझे यही लगता है कि वो उसके बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल, वो आपको एक ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहाँ आपको थोड़े पैसे बचाने के लिए आप उस समय तो वो शॉर्टकट ले लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके अधीन होते रहेंगे और फिर आपकी वो फितरत ना बन जाए। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे शॉर्टकट लेना और एक कायदे से एक चोरी ही है, चोरी करना सही है, जो कि नहीं होना चाहिए। जो कि नहीं होना, और खासतौर से तब जब आप जिस लेखक का लिखा पढ़ रहे हैं उसने पूरी जिंदगी को एक स्याही में करके आपके सामने रख दिया हो और आप उस सबको पोच करके थोड़े से पैसे बचा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आप किताब अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, आप भी एक रही हैं, तो हाँ मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो मैं यही बोलता हूँ कि आप एक किताब मत खरीदिए। आप 20 जने मिलके ना 20-20 रुपये जोड़िए और 400 रुपये की वो किताब खरीद लीजिए और अपने 20 जनों में वो बांटिए, एक साल लेके आराम से करिए। लेकिन वो 20 रुपये तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं। आप जो वो एक छोटी सी पेप्सी पी लेते हैं, एक दिन मत पीजिए और वो आप ले लीजिए और अपनी छोटी सी एक लाइब्रेरी बना दीजिए। आपका पूरा जो कॉन्शियंस है वो सही रहेगा, आपको किताब का ऑफ कोर्स पूरा फायदा मिलेगा, कला को और कलाकार को सम्मान मिलेगा, एंड दुनिया ज़्यादा अच्छे से चलेगी। दैट्स अ वे दैट आई थिंक। क्या बात है, इसके लिए तो बहुत 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 धन्यवाद। कि लास्ट में ये जो आपने सबक दिया है ना, ये सबक मुझे लगता है कि ये बहुत लोग इसको फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है ये आपकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवानी जी। थैंक यू सो मच। तो आपने अभी सुनी अंकुर वारिकू से मेरी बातचीत और उनके बताए कितने ही बढ़िया बढ़िया तजुर्बे और टिप्स। सही बात है, उनकी तरीके से ही हम लोग को भी सोचना चाहिए कि किताबें हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं, उनका पढ़ना, उन्हें पढ़े जाना, उन्हें मिल बांट के पढ़ा जाना, तभी तो हम बुक पायरेसी पर काबू पा सकेंगे। बुक पायरेसी तो आप जानते ही हैं कि नकालों की बनाई असल से दिखती नकली किताब जो अक्सर आधी से भी कम कीमत में हमें मिल जाया करती है, लेकिन इससे बड़े नुकसान होते हैं लेखक के और उससे प्रकाशक के। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी कि बुक पायरेटेड किताबों की अलग अलग जगहों पे जैसे मिलते हैं, हार्ड कॉपी मिलते हैं, जैसे सॉफ्ट कॉपी में मिलते हैं। अभी हमारा एक तजुर्बा है कि आपका जो नए नए किताबें लेके आते हैं और वो कुछ ही दिनों में उसके PDF हैं या EPUB के वर्जन जो हैं वो फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि अब तो फ़ोन बड़ा आसान से मिल जाता है, सबके हाथ में होता है, तो उसके ज़रिए किताबें एक दूसरे के पास पहुंचा दी जाती है। लेकिन जब आप किताबें जब सॉफ्ट फॉर्म में पहुंचा रहे होते हैं तो भी तो वो हमारे लेखक का, हमारे प्रकाशक का नुकसान कर रहे होते हैं। जबकि EPUB और किंडल एडिशंस वगैरह जो आते हैं उनको भी अगर आप परचेज करते हैं, वो बहुत कम कीमत पे होती हैं, तो आप उनको परचेज करते हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, वो एक अलग तरीका होता है शेयरिंग में पढ़ने का, कम्युनिटी रीडिंग का। तो मैं आज B2B विद शिवानी खरे का ये एपिसोड इसी उम्मीद के साथ ख़त्म कर रही हूँ कि हम बुक पायरेसी को लेकर के थोड़ा गंभीरता से सोचेंगे और अब जो किसी भी पुस्तक मेले में जाएंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम प्रकाशकों से ही किताबें लेने की कोशिश करें, न कि नक्कालों से। थैंक यू सो मच। जय हिंद। पेंगुइन स्वदेश से हाल ही में प्रकाशित मेक एपिक मनी की पेज एक्सटेंट जो है, जो ये 352 पेज की किताब है जिसका मूल्य है 250 रुपीज़।